बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ा होस्ट थोड़ा दोस्त फारूक शहजाद मरकानी हाजिर है। इस वक्त असा बहुत हाजिर है सारे नाल सारे बेहतरीन दोस्त ते थोड़े अच्छे सहाफी मुरीद निवास कोकर कोकर से मौजूद है। इन्हें नाल असा बहुत के हवाले नाल कुछ दाल मुआल करे सू। सब तो पहले असा मुरीद भाई के पूछूँ कि इतों के मसायल क्या है। सब तो पहले सबको मसायल दसे सर, उसके बाद थोड़े कमे के बारे में असं दरियाफ्त कर। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, तुम सब प्रोग्राम में मौजूद थे और अब हो गए चक्कर लाए वतन वतन आते रह गए और अब सब वेलकम आ गए। फारूक भाई, बुनियादी मसायल के हवाले ना अगर गाल करूँ तो बहुत सारे मसायल गोवा शहर जिनकी आबादी 60,000 महसूस के मुश्किल है। सब को जो बड़ा मसला है पीवन के पानी का, बदकिस्मती गोवा शहर जरा जेर जमीन पानी कम करता है, उन्हें चार सैनिक की मकदार बहुत ज्यादा है। गोवा शहर एक कट्ठा गुंजाण आबाद होने गिरदो मदाबाद एक घर है। इन बस्ती जत शुमारी बस्ती द्रबी लाकोट हटाणी थी वैसी इवें बस्ती द्रोली इतने हटके सुल्तान औरन वधिकारी मोहल्ला नवी आबादी इन बहुत कसीर आबादी है। इतना सिर्फ महकमा पब्लिक हेल्थ के थ्रू एक बोर्ड काम करना पड़ा, बाकी सारे जितने टूएल हैं वो इतों को तकरीबन 8 किलोमीटर है मिठवान की बस्ती। उतों इतने लंबे फासले दो तो बिजली का टैरफ भी बहुत ज़्यादा है, उतों को इतना पानी सप्लाई थे अक्सर बेस जरा हर महीने की 27-28 तरीक को सारे टूर कट लगा तो उन्हें बाद जरा इतना कर बलास आने लगा। सर अरसा दराज को ये मसायल खासकर जरा पीवन के पानी के हवाले ना है, जरा सब तो वाला मसला है आवाम पीवन के पानी जोड़ा कि अज तक हाल है। पानी का मसला चूंकि पूरी सारी तहसील में पहले भी जिक्र कर पाया हूँ, इतों के तले वाला जरा पानी अस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई मुजर हैसीयत है। उनके सैनिक पैन मुदीर भाई के सैनिक की मकदार भी बहुत ज्यादा है। दीगर भी मसायल ही उतना कैंसर जरा सब तो ज्यादा रिकॉर्ड किया वैसे वो कैंसर भी दी वजह भी ये पानी बनते हैं। इसके अलावा साढ़े पूरी तहसील के और खास तौर पर PP 285 सीरेज के मसायल भी बहुत ज्यादा हैं। यो सीरेज का पानी तले जरा साजा बुसीदा थी चुके हैं पानी सप्लाई कराया जा लेना उन्हें दे भी शामिल थी कि भी साढ़े को पहुँच वैसे जैसी वजह करो वो इंतहाई हुजर बन वैसे। मैं मजीद पूछना मुरीद भाई के कि वजीर आला साहब ने इतना जरा पैकेज दिते वोवा पैकेज देना ना उतना उन्हें उत्ते कितनी हद तक अमल दरामद थी ना पाए ते इतना काम की सूरत हाल क्या है, क्या ठेकेदार इतना अपनी वो एक रूटीन आई जी उन्हें एक काम कराने का तरीका वो अपना ही पैन या कोई खसूसी दिलचस्पी नहीं खेल रहा। जी फारूक भाई बहुत शुक्रिया। फारूक भाई तो सीएम साहब ने बकायदा पिछले साल विजिट किया था पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला सीएम है जिन्हें कि एक साल एक दफा हो गया दौरा सारे अजीज सरदार इजाज रहमान खितान साहब उन्होंने डायरेक्टर सुनाल बकायदा इतना हुआ है उन्होंने विजिट किए और सारे मौजूदीन इलाका सारे मुकदमीन उन्हें मिल के रहना अपने चिंता चिंता इलाके के मसायल में अपने वजीर आला साहब आए ना अपने दौरे के बाद बोला वापस लगे गए। उनके बाद रमजान शरीफ और गलबन मई 2020 उन्हें बोला डीजी खान दौरा किया और उन्हें तकरीबन 47 तरक्याती मौसम जिन्हें कि गोवा मुदाफात कोर कसरानी ट्रेबल एरिया वधिकर मुदाफात के मतलब सारे को तकरीबन फारूक भाई 1978-80 की दहाई के रोड बने। सन 1980 के बाद हम 2021 41 साल बाद बोला दोबारा ये सीएम साहब की मरूनी निगाह दे के ये सारे तमाम तरक्याती जो मथूबे हैं खासकर रोड इन जिक्र करें पैसे गोवा कोर कसरानी गोवा टू कारगढ़ गोवा टू कुतानी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले महीने तक मैं कुछ नहीं दिता है कि कुतानी टू अपना लखानी कुलकावे और तकरीबन उन्होंने रोड है 9 किलोमीटर है कुतानी वो भी बकायदा तौर पर टेंडर लगता पाए। दूसरी गल तुम की है कि गोवे रोड जी सूरत या करप्शन के हवाले मतलब हम तो लाए कि कोई गल सारे सामने नहीं आई जितना करप्शन थी नहीं पे कम बिल्कुल ठीक थे ना पाए थोड़े सामने तुसा विजिट करके निकले मोड़ टू अपना 2 किलोमीटर रोड गोवा इंटरसिटी डुअलाइजेशन का काम शुरू है डान कंपनी का अलहमदुल्ला वो काम बिल्कुल ठीक थे ना पाए और उन्होंने नाल बिल्कुल रोडे के नूहे साइड नाले बनते पैन तुसा विजिट कर किनो बकायदा डेढ़ किलो के सिल का मियार डेढ़ किलो सीमेंट का मियार डेढ़ किलो इतने हट के अगर तुम 10 मील बने तो डगर वाली को लोगों को
उस तो बाद डगर वाली मोड़ टू कड़गा उन रोड का काम भी शुरू है अलहमदुल्ला बेहतर तरीके का काम मुझे नवा एक कस्बा महुआ तहसील तौसा का दूसरा बड़ा कस्बा है तौसा के बाद इतना बे इंतहा इतना मसायल है पंजाब के जरा सब तो ज़्यादा पसमानदा इलाका समझा वे उस डिवीजन जरा गाजी खान है उनके भी जरा सब तो ज़्यादा पसमानदा इलाका समझा वे उस तहसील तौसा और तहसील तौसा के जो शुमाली इलाका है तहसील तौसा का वह बहुत ज़्यादा पसमानदा है वजीर अला साहब ने वहाँ को बहुत अच्छा पैकेज दिता है मुनीर भाई उन्होंने तारीफ करें बहुत अच्छी गल है लेकिन मैं मुनीर भाई के ये पूछ रहा कि इनके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट जरा मतलब वजीर अला साहब ने अनाउंस किया हो तो काम भी शुरू थी गया भाई गोवे जरा सरकारी मनसूबे का मैं जिक्र किया उन्हें टी एच क्यू का जरा अस्पताल सारे इं अस्पताल टी एच क्यू का दर्जा देने को पहले सी एम साहब ने उन्हें गोवे का विजट दिता उन्हें मॉडल आर एच सी का दर्जा दिता उन्हें काम अगे तौर पर काम ही बनाया अलहमदुल्ला अच्छा खासा उनका काम किया मैं उन्हें हट के सी एम साहब ने सबको नौजवान सरगर्मी को खेल तरफों रुझान देने वास्ते उतना स्पोर्ट्स ग्राउंड बनना पाए इवें फैमिली पार्क में छोटे बच्चे झूले ये वो सारा कुछ ट्रेन कर सकते मतलब तरक्याती हमारे नाल पिछले 70 साल तो मैंने सारे को इतने कम नहीं थे जिम्मे तुम दस कि जिला डी जी खान एक पसमादा तरीन जिला सारे जिले के सारे हल्क के उत्तर खाकदान को हट के मतलब डी जी खान के लगारी हजरात इवें खोसे हजरात और जेड़े जेड़े भी सारे हल्के के मुसला कराए गए उन्होंने खास कोई रिकॉर्ड नहीं की आवाम को पीवन के पानी का मसला है सड़के का मसला है सीवरेज का मसला है जराए आमद और आप मसला है मसाल इतने हैं तो मैं तो पुलिस अनगिन तो दूजा है ना सर तुसा दस कि हूँ यह है कि सी एम साहब के आवन के बाद अलहमदुल्ला अस सी एम साहब के लियाने बहुत बहुत शुक्र गुजार इसे कि पहले तो काम ना आवन के बराबर लेकिन हूँ यह प्रूफ भाई कि सारे हूँ लगते कि तरक्याती कमें का सिलसिला जरा ना सिलसिला तसलसल चलता रहे अगर यह सिलसिला चलता रह गया ना जिमें हम गोवे को सी एम साहब ने कोट कसाणी टू गोवा रोड रेडी काटगा टू गोवा रेडी ने लखाणी टू गोवा रेने पाए कुटाणी टू गोवा बनता पाए जेरे तमीर ट्रेबल एरिया के जेडे सारे ग्राह हैं कसाणी ट्राइब के लोग तो सारा उन्होंने तो बुरा हाल है एक बार मैं कि मिठा वाक्य है कि उतो एक लोडर डाले दो रस्ता ही कहानी फोर बाई फोर डाले दो एक मरीजा को चाहिए वजह उन्होंने डिलीवरी दे सा लेकिन जो अस्पताल के बाहर पहुंचे तो मरीजा की डेथ मतलब इतने हद तक असर तो पत्थर दौड़ की जिंदगी बिल्कुल जिमें मरीज भाई दादे पहन के असर पत्थर के दौर की जिंदगी गुजरने पे हैं जिमें सारे वसे शराइती इलाके के लोग या दिल के तख्त लाहौर के असा महकूम हैं मैं ही इस्तलाह इस्तेमाल की है कि असा अगर कितनी महकूम है तो अस तख्त की थी थान के महकूम कल तक जैसे सारे इलाके सिर्फ एम एल ए पी एस होने हैं फंड डी जी खान जिसे को मिलते हैं उम्मे भी सबकू सिर्फ 10% 15% 20% शेयर मिलता जो हालांकि सारे दूर तहसील हैं सादा हक अधल यानी कि 50% बनता लेकिन सबको इतना हक ना दिता जाता पिछले दिन ही खबर मैं पढ़ी है मुरीद भाई ने अपनी इंटर लाइव टाइम लाइन पर लाई हुई है कि 7 बी एच रूप अपग्रेड करके आर एस सी का दर्जा दिता गया डी जी खान जिले के जैसे 7 डी एच यू डी जी खान तहसील दे जबकि तौसल तहसील का कोई डी एच यू शामिल होए था मैं समझना कि वजीर आला साहब को ई तरफ पूर्ण तवज्जो देनी चाहिए अगर सानू वो एक खास अहमियत नहीं दे सकते तो कम अज कम इतना जरूर करें कि डी जी खान लेकिन सानू सादा हक जरूर दिला दे जिमें 7 बी एच यू आर एस सी बने इवें कम अज कम 3 बी एच यू साढ़े भी आर एस सी बने ला तो मैं इन्हें अल्फाज दिला मुरीद भाई जी का शुक्रिया अदा करे सी भी इजाजत दिन सला हाफ़िज़।